हेलो एवरीवन, आज हम लोग ग्रीन मसल फ्राई बनाएंगे। ग्रीन मसल, इसको ग्रीन मसल बोलते हैं, इसको तिसरे ऐसे भी बोलते हैं। हिंदी में इसका नाम क्या है ये मुझे पता नहीं, लेकिन ये शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इससे स्किन अच्छा हो जाता है, हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है। हाई प्रोटीन है इसमें, विटामिन B12 है और बहुत ज़्यादा ये शरीर के लिए यूजफुल है। तो हमको इसको हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा लेना चाहिए। ग्रीन मसल को मैंने ऑनलाइन से मंगवाया है, इसके लिए उन्होंने अच्छे से साफ करके दिया है। और हम लोग डायरेक्टली इसको मार्केट से लेंगे तो फिर इसके ऊपर शेल रहता है, उसको निकाल के हमको अच्छे से धो के लेना पड़ता है। ये देखिए, तो फिर हम लोग ग्रीन मसल फ्राई बनाने के लिए स्टार्ट करेंगे। उसके लिए हमने ग्रीन मसल लिया है, लेमन लिया है, कड़ी पत्ता है, चिली पाउडर, हल्दी, ब्लैक पेपर और गरम मसाला। हम लोग इसमें लेमन डालेंगे, पहले लेमन का जूस। इसमें चिली पाउडर डालेंगे 2 चम्मच, आपको जितना तीखा पसंद है उसके हिसाब से आप डालेंगे। हल्दी 2 चम्मच, ब्लैक पेपर 2 चम्मच और गरम मसाला। और इसको अच्छे से हमको मिक्स करके लेना है, पूरा अंदर तक ये रहना चाहिए और 10 मिनट के लिए ऐसे ही रखना है। अच्छे से मिक्स करके स्वाद अनुसार इसमें नमक डालेंगे। और अच्छे से मिक्स करके लेंगे। दस मिनट हो चुके हैं, अभी हम लोग ग्रीन मसल को फ्राई करने के लिए लेते हैं। गैस को मीडियम हीट पे रखा है और उसमें ऑयल डालना है। फ्राई है तो थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा ही लगेगा। तेल गरम हो चुका है, अभी हम लोग ऑयल में ग्रीन मसल को डालेंगे। पूरा ग्रीन मसल को डालने के बाद इसको पूरा हिलाना है और हिला हिलाते 10 मिनट के लिए ऐसे ही इसको फ्राई करना है। 10 या 15 मिनट तक ऐसे ही फ्राई करना है। इसके ऊपर से कड़ी पत्ता डालेंगे, कड़ी पत्ता का स्मेल अंदर तक चला जाता है तो फिर बहुत टेस्टी लगता है ये। बीच बीच में हिलाते रहना है, नीचे से लगना नहीं चाहिए। पूरा क्रिस्पी होने तक इसको अच्छे से फ्राई करना है। फ्रेंड्स, हमारा अभी ग्रीन मसल फ्राई बनके तैयार हो चुका है। 20 मिनट लगे हैं इसको फ्राई होने के लिए और अच्छे से क्रिस्पी से फ्राई हो चुका है। और आपको ये मेरा रेसिपी पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए।